विवियन डिसिना ने की रजत दलाल की मिमिक्री। दोस्तों बिग बॉस की लाइव फीड में देखने को मिल रहा है जहां पर विवियन से ज्यादा नायरा और बागा बैठे हुए हैं, जहां पर विवियन कहता है आज मेरे और रजत के साथ काफी फनी बात हो गई थी। जहां पर मैं स्नान करने गया तो वहां पर भाई पानी गर्म एकदम उबल रहा था, मैंने स्नान वगैरह किया और पानी को गर्म करने के लिए दोबारा लगा लिया, लेकिन जब रजत अंदर गया तो पानी को नीचे बात करें तो हाथ दिया लेकिन उसके अंदर गर्म नहीं एकदम बर्फ की तरह ठंडा पानी आ रहा था। रजत के साथ आज पूरे दिन 7 बार ऐसा हुआ है। आखिर में बिग बॉस से वो कह रहा है, बिग बॉस आपकी क्या मेरे साथ दुश्मनी है, क्या आप सिर्फ लाडलों को ही पानी देते हो गर्म? इसके साथ ही रजत कहते हैं, बिग बॉस आपको एक दो बम और फोड़ने हैं तो फोड़ लो मेरे ऊपर, लेकिन प्लीज़ गर्म पानी डाल दो ताकि मैं स्नान आराम से कर पाऊँ। मैं स्नान नहीं कर पा रहा हूँ बिग बॉस, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? आपने एक बम फोड़ कर मेरा मुँह पूरा काला कर दिया है, अब और कुछ करना तो कर लो लेकिन पानी तो गर्म मुझे दे दो। फिर बिग बॉस कहते हैं, आ जाएगा रजत जी, थोड़ा सा आप इंतज़ार तो करिए, गर्म आएगा आपके लिए पानी। मेरे में और विवियन में आप फ़र्क कर रहे हो, आपका लाडला इसलिए आप उसे गर्म पानी दे रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। जहाँ पर बिग बॉस ने कहा, रजत आएगा पानी गर्म आएगा, तुम इंतज़ार तो करो। जिस तरीके से आज बिग बॉस ने भी रजत के साथ काफ़ी गंदा मजाक कर दिया। जैसे ही रजत जाते बात करें तो बाथरूम नहीं बस स्नान घर में, तो वैसे ही सलूक करते हैं तो थोड़ी देर तो गर्म पानी आता है लेकिन जैसे ही कपड़े वगैरह खोलते हैं तो ऊपर ठंडा पानी आ जाने लगता है। जिस तरीके का बिग बॉस ने किया है रजत दलाल के साथ गंदा वाला मजाक था या कुछ भाई ऑटोमेटिक हो गया था वो तो पता नहीं, लेकिन भाई एक बार होता दो बार रजत दलाल के, आज मैंने 7-7 बार स्नान किया है, जैसे ही अंदर जाता हूँ कपड़े खोलता हूँ और ऊपर से ठंडा पानी आने लग जाता है। जिस तरीके की हुई इसकी बात करें तो विवियन डिसिना कमेंट्री करते मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ही मैं बाहर निकला रजत अंदर गया, धुआं ही धुआं हो रहा था लेकिन जैसे ही उसने कपड़े खोले ऊपर ठंडा पानी। जहां पर रजत कहते हैं, विवियन भाई ये क्या मजाक है, क्या आप बिग बॉस के साथ प्लान करके मेरे को धोखा दे रहे हो, मेरा मजाक उड़वा रहे हो, मुझे ठंड लगवा रहे हो? जिस तरीके की रजत दलाल की फनी फनी बातें निकली। जिस तरीके की विवेक कहते हैं, भाई यार रजत भाई यार काफ़ी ज़्यादा फनी है और इसकी बातें सुनकर यार मज़ा आता है और दिल को सुकून मिलता है। यदि दोस्तों रजत और विवेक की दोस्ती होगी तो बिग बॉस एक अलग ही लेवल अपर चला जाएगा, लेकिन इनकी दोस्ती इतनी आसानी से तो दोस्तों नहीं हो सकती क्योंकि एक दूसरे के कंप्यूटर हैं और रजत दलाल भी कम नहीं है और विवेक डिसेना भी अपने आप को कम नहीं समझ रहे। अब देखते हैं कि इनका झगड़ा होता है या फिर इन दोनों के बीच में दोस्ती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।